इतना अद्भुत काव्य कौशल नहीं है, पर जो मेरा बिंदु भर काव्य कौशल है उसी क्षमता से मैंने गीता सार को अपने शब्दों में एक कविता के रूप में पिरोने का प्रयास किया है। तो भूमिका सबको पता है कि कुरुक्षेत्र का मैदान है, और अर्जुन जो है उनको मोह है कि वो अपने रिश्तेदारों अपने परिचितों के विरुद्ध युद्ध कैसे करे, शरसंधान कैसे करे। तो उन्होंने अपना गांडीव रख दिया है, और जो कृष्ण हैं अब वो इस भूमिका में आ गए हैं कि अब ये सुनो, अब ये सारथी वाली भूमिका से अलग हटके अब मैं तुम्हें जीवन का असली मर्म समझाता हूँ। तो अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण, तू आप ही अपना शत्रु है, तू आप ही अपना शत्रु है, तू आप ही अपना मित्र, या रख जीवन कागज कोरा या खींच कर्म से चित्र। क्या बात, हाँ, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, मन में अब तू बहुत ये अच्छा। ठान ले, मन में अब तू ये ठान ले, है कर्म ही धर्म ये जान ले, भ्रम का अपने संज्ञान ले। सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि भ्रम को जानना, लोग इसी यही नहीं समझ पाते कि वो भ्रम में है। तो भ्रम का अपने संज्ञान ले, तू माध्यम है ये मान ले। क्योंकि अर्जुन हाँ कह रहे, तुम तो कर्म कर नहीं रहे हो, तुम तो सिर्फ एक माध्यम हो, तू माध्यम है ये मान ले, तुम साधन हो जिस कर्म के, तुम साधन हो जिस कर्म के, उस कर्म का मैं ही करता हूं, जिस शोक में डूबे हो अर्जुन, जिस शोक में डूबे हो अर्जुन, उस शोक का मैं ही हरता हूं। क्या बात, वाह वाह, क्या वाह बात, बहुत वाह, खूबसूरत, मैं बहुत ही सुंदर कण, आ रहा था। धन्यवाद, मैं ही कण हूं, मैं ही सृष्टि, मैं ही कण हूं, मैं ही सृष्टि, मैं ही घटना, मैं ही दृष्टि, मैं कृष्ण, मैं अर्जुन, मैं कुरुक्षेत्र, मैं कृष्ण, मैं अर्जुन, कुरुक्षेत्र, मैं ही संजय और उसका नेत्र, है कहो कहाँ नहीं समाया हूँ, है कहो कहाँ नहीं समाया हूँ, मैं योग, मैं ही तो माया हूँ, हर वाह युग में, वाह, धन्यवाद, हर युग में लीला रचाता हूँ, हर युग में लीला रचाता हूं, मैं राम, मैं कृष्ण कहलाता हूं। क्या बात, वाह वाह क्या वाह, क्या बात, बात, अब इतना कहने के बाद भी अर्जुन का मोह टूट नहीं रहा, गांडीव उठा नहीं रहे, तो कृष्ण एक कहते हैं ना, एक आगे पग बढ़ा के अब कह रहे हैं, तुम गांडीव नहीं उठाओगे, तुम गांडीव नहीं उठाओगे, पर होनी टाल न पाओगे, ये योद्धा प्राण गवाएंगे, ये योद्धा प्राण गवाएंगे, अपनी गति को ही पाएंगे, ये नियति है इसकी काट नहीं, इनका मरना तो निश्चित है, ये नियति है इसकी काट नहीं, इससे बचने की बाट नहीं, इस सत्य को तुम स्वीकार करो, हे धनुर्धर क्या गांडीव धरो। बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, क्या बहुत लहजा, बात। लेकिन अभी भी उनकी दुविधा जो है वो दुविधा नहीं मिट रही है, और ये दुविधा उनकी इसलिए नहीं, उनको लगता है कि मेरे परिजन जो है उनका मैं शरसंधान से कैसे उनको कैसे मारूं। तो ये मोह जो है, उसको मोह को काटने के लिए अर्जुन को फिर से समझाते हैं, ये कैसी दुविधा कहो पार्थ, ये कैसी दुविधा कहो पार्थ, जनहित से श्रेयकर हुआ स्वार्थ, मुझ में वाह समर्पण का भाव धरो, मुझ में समर्पण का भाव धरो, हे कौन्तेय अपना कर्म करो, है अविनाशी, क्या बात, धन्यवाद, है अविनाशी यह चेतना। अब वो आत्मा की तरफ कहते हैं कि जो मोह है तुम्हें कि मैं अपने परिचितों का, अपने पितामह का कैसे वध करूं, तो कहते हैं कि यह आत्मा तो अजर है, अमर है अविनाशी यह चेतना, है अविनाशी यह चेतना, प्राणों का फिर क्यों मोह करे, नश्वर काया के मिटने से तू व्यर्थ में ही इतना है डरे, ये जीव मुझसे ही तो, ये जीव मुझसे ही तो जग में विस्तार पाते हैं, मृत्यु पथ पर चलकर मुझ में ही वापस आते हैं, मृत्यु वाह ही अंतिम सत्य है, मृत्यु ही अंतिम सत्य है, इस सत्य को तुम पहचान लो, है स्वयं प्रभु तेरे सामने, मुझसे गीता का ज्ञान लो, है वाह, स्वयं प्रभु तेरे सामने, मुझसे गीता का ज्ञान लो। अब अर्जुन, अब ये देखिए, कृष्ण अवतार में भगवान ने कहा है कि मैं भगवान हूँ, राम अवतार में वो नहीं कहते, यहाँ पे दोनों युग का अंतर है, वो त्रेता युग था, ये द्वापर युग है, यहाँ पे जो आस्थाएं हैं लोगों की जो संवेदनाएं हैं वो भिन्न है, इसलिए यहाँ पे विश्वास दिलाना आवश्यक है।
कि मैं ही भगवान हूं तो मुझसे गीता का ज्ञान लो। और ये भी कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। नियति नियंता नियत समय पर, नियति नियंता नियत समय पर कर्मों का फल देते हैं, पर चिंता फल की मत कर तू, पर चिंता फल की मत कर तू। ये स्वयं प्रभु कहते हैं। गीता में जीवन सार छिपा, गीता में जीवन सार छिपा, ये कर्म का पथ दिखलाता है। दुविधा की काली रात में ये ज्ञान का दीप जलाता है। दुविधा की वाह काली रात में ये ज्ञान का दीप जलाता है। और अंतिम में जो उन्होंने अपना अनंत रूप दिखाया, जिससे लोग चकित रह गए, वो एक सांकेतिक है। वो संकेत है कि जब आपके अंदर जो आपके चक्षु हैं, जो ज्ञान चक्षु अभी तक खुले नहीं है, तो आपको लगता है कि ईश्वर कहाँ है। जब आपके ज्ञान चक्षु पर से जो भ्रम का पर्दा हट गया, तो आपको ईश्वर हर जगह दिखाई देंगे, ये अनंत विस्तार दिखाई देगा। तो मन के चक्षु को खोल दे, मन के चक्षु को खोल दे, भ्रम का हर जाल हटाता है। एक बिंदु से ब्रह्मांड तक अनंत विस्तार दिखाता है, एक बिंदु से ब्रह्मांड तक अनंत विस्तार दिखाता है। बहुत ही वाह बहुत वाह ही वाह।